तेलुगु सुपरस्टार श्रीनिवास बेलकम कोंडा और नुसरत भरूचा आज इंदौर के विजयनगर स्थित C21 के आईनॉक्स थिएटर में मीडिया से रूबरू हुए, जहां उन्होंने आगामी 12 मई को पूरे देश में हिंदी भाषा में रिलीज होने वाली ब्लॉकबस्टर फिल्म छत्रपति को लेकर मीडिया से चर्चा की। हाल ही में फिल्म का ट्रेलर सामने आया है। ट्रेलर लॉन्च के पहले श्रीनिवास ने अपने फैंस से मुलाकात की। वहीं फिल्म सॉन्ग बरेली के बाजार को काफ़ी पसंद किया जा रहा है। श्रीनिवास और नुसरत ने मीडिया के सामने फिल्म की शूटिंग और एसएस राजा मौली के साथ किए काम को लेकर अनुभव साझा किए। वहीं उन्होंने बताया कि फिल्म का नाम छत्रपति है, लेकिन फिल्म में जोरदार स्टंट, बेहतरीन म्यूजिक सहित सुपर एक्शन देखने को मिलेगा। श्रीनिवास और नुसरत ने मीडिया के माध्यम से सभी से फिल्म को थिएटर में देखने की गुजारिश भी की। वहीं पत्रकारों के सवाल के जवाब भी दिए। करते हैं और खाली एक्शन फिल्म ही देखते सर। सॉरी मेरे को। इंदौर आए हैं, आपको कैसा लगा इंदौर आके? ग्रुप को, फिल्म को आके, हमारा सर्टिफिकेट भी यू बाई है सर, यू नो, हमारा सेंसर सर्टिफिकेट भी, तो हर यू नो ऑल एज ग्रुप सर विल लव दिस फिल्म, स्पेशली किड्स आई थिंक, बिकॉज द एक्शन इज डिजाइन लाइक दैट। आई थिंक जब फैमिली के साथ आप यू नो विद एनी बडी विद द एंटायर फैमिली यू कैन कम एंड एंजॉय दिस फिल्म। We given a proper theatrical experience and the film बड़े पर्दे पे ही देखना। जैसे फुली एक्शन रहती है साउथ की फिल्में वैसे ही सर। सर एक्शन पैक जो रहती है साउथ की फिल्में वैसे ही है सर, 100% सर, और बढ़िया किया सर। KGF 2 और बाहुबली और RRR को देखकर वैसे भी साउथ की जो स्टोरीज है उससे उम्मीदें बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो ऐसा क्या है इसमें? सर आपको वो फिल्म जैसे एक्सपीरियंस दिया मैम, मैम आई मीन वो फिल्म से आपको जैसी एक्सपीरियंस दिया, पहले आप बाहुबली को वर्ल्ड को बिलीव किया, KGF में वैसे गोल्ड में वो कुलार वर्ल्ड में बिलीव किया, हमारा बस्ती को तुम ऐसे ही बिलीव करते, वैसा एक बस्ती है उसमें लोग वैसे ही चल रहे, यू विल हैव एन एक्सपीरियंस। मैं बता रही हूँ, एट हार्ट आई एम अ वेरी कमर्शियल बॉलीवुड हीरोइन, और मैं आई एम वेरी ग्लैड दैट आई हैव कम इनटू अ स्पेस एंड टाइम जहाँ वो पिक्चरें वापस आ रही है। ये 90s का कल्चर था, ये 90s का फ्लेवर था जो मैं देखती थी सुनील शेट्टी सर को करते हुए, अक्षय सर को करते हुए, एंड नाउ वी हैड दिस पैन इंडिया होल वेव जिन्होंने सेम चीज टैप किया और हमारे ऑडियंस पागल हुई है। मैम सर की फर्स्ट हिंदी मूवी थी, तो आपने उनको किस टाइप से अपने जो है टिप्स दी है या फिर हिंदी बोलने के लिए कभी कुछ कुछ एक्सप्लेन किया? मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ती, समटाइम्स उनको एक्सप्लेन करने की मुझे जरूरत पड़ती थी, ना नुसरत ये है डायलॉग, मैंने ओ ओके हिंदी इतनी अच्छे से सीख ली उन्होंने। बट मैंने जो इनको हेल्प की थी वॉज टू टेल हिम बॉलीवुड में क्या है, कैसा है, गॉसिप क्या है, कहाँ क्या चल रहा है, वो थोड़ी अंदर की बातें मैंने थोड़ी बता दी उनको ताकि कैसे होगा, शूट कैसे करेंगे, लोग कैसे होंगे। But they were very sweet. His dad, I think, Shree's dad is sweeter than Shree. Let me tell you that. बहुत अच्छे इंसान है, उन्होंने बहुत प्यार से रखा। मेरे जो डायरेक्टर है बीबी विनायक सर, वो भी इतने हंसमुख है, उनके मुँह पे 24/7 एक स्माइल रहती है, तो जेन्युइन स्माइल है, वो खुश इंसान है, और हमने बहुत प्यार से खुशी से काम किया, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मेरा रोल सर इस पिक्चर में जो एक सुंदर लड़की का होता है हर कमर्शियल पिक्चर में, रोमांटिक पिक्चर होती तो रोमांटिक पिक्चर होती, बट एक्शन फिल्म। आप भी एक्शन किया ना? किया ना, गाड़ी में से गिरा और बोला शिवा। समटाइम्स उनको एक्सप्लेन करने की मुझे जरूरत पड़ती थी, ना नुसरत ये है डायलॉग, मैंने कहा ओ ओके हिंदी इतनी अच्छे से सीख ली उन्होंने। बट मैंने जो इनको हेल्प की थी वॉज टू टेल हिम बॉलीवुड में क्या है, कैसा है, गॉसिप क्या है, कहाँ क्या चल रहा है, वो थोड़ी अंदर की बातें मैंने थोड़ी बता दी उनको। थैंक यू मैम, थैंक यू नुसरत।